नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। गाजीपुर के जमनिया कोतवाली परिसर में क्षेत्राधिकारी सुरेश शर्मा की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें क्षेत्र के मौलवी, मौलाना व सम्मानित लोग पहुंचे। मुहर्रम त्योहार को लेकर ताजियादारों ने अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रखी। कोतवाल राजीव कुमार सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी वायरस को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के तहत दूरी का पालन कर त्योहार मनाएं, तथा ताजियादारों से अपील की कि कोरोना वायरस को देखते हुए एक जगह इकट्ठा न हो। इस मौके पर SSI मंशाराम गुप्ता, उप निरीक्षक संतोष कुमार, देवरिया चौकी प्रभारी राजीव त्रिपाठी, अनिल पांडे, विनय सिंह, मंजर अब्बास सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। देशी शराब की दुकान खुलने को लेकर गुरुवार को गाजीपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के लंगड़पुर की महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों महिलाएं और युवतियां PG कॉलेज छावनी लाइन मार्ग पर उतर गईं। शराब की दुकान बंद करने के लिए हो हल्ला करते हुए नारेबाजी करने लगी। उनका कहना था कि लंगड़पुर जाने वाले मार्ग पर देशी शराब की नई दुकान हाल में खोली गई है। इसी रास्ते से क्षेत्र की युवतियां पीजी कॉलेज के साथ अन्य स्कूल कॉलेजों में पढ़ने के लिए जाती हैं। शराब की दुकान पर पियकड़ों का जमावड़ा लगने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस दुकान को यहां से जल्द हटाया जाए। प्रदर्शन की जानकारी होते ही सदर कोतवाली दिलीप सिंह, गोरा बाजार चौकी प्रभारी अनुराग गोस्वामी और पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन महिलाएं अपनी जिद पर अड़ी रहीं। इस पर कोतवाल ने आश्वासन दिया कि वो इस संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारी से बात करेंगे। बच्चों को जन्म से लेकर 5 साल के अंदर निमोनिया से बचाने के लिए न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन PCV के साथ ही बच्चों को कई रोगों से बचाने के लिए विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम के लिए आयोजित होने वाले बाल स्वास्थ्य पोषण माह की शुरुआत गुरुवार को की गई। जिला महिला चिकित्सालय में जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने COVID-19 के नियम और बचाव को ध्यान में रखते हुए 9 माह से ऊपर के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि PCV बच्चों को निमोनिया से और विटामिन ए की खुराक बच्चों को कई रोगों से बचाता है। उन्होंने सभी बच्चों के माता पिता से अपील किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान और टीके का लाभ उठाएं, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। इस मौके पर CMO डॉक्टर GC मौर्य, अपर CMO डॉक्टर KK वर्मा, अपर CMO डॉक्टर DP सिन्हा, कर्मचारी अमित राय के साथ अन्य कर्मी मौजूद रहे। गाजीपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार एवं जिला पत्रकार समिति के अध्यक्ष सूर्य कुमार सिंह जी के आवास पर गुरुवार को हार्टमन इंटर कॉलेज हार्टमनपुर के प्रधानाचार्य फादर फेलिक्स और करीमुद्दीनपुर के प्रगतिशील युवा किसान पंकज राय पहुंचे। इस दौरान श्री सिंह के पत्रकारिता, शिक्षा, राजनीति, पर्यावरण, खेती, किसानी, औषधि सहित विभिन्न विषयों पर बातचीत की। जिला पत्रकार समिति के अध्यक्ष सूर्य कुमार सिंह ने फादर फेलिक्स राज और युवा किसान पंकज राय को पौधा भेंट किया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए गुरुवार को छात्र नेता विवेकानंद पांडे के नेतृत्व में बूढ़ा महादेवा मंदिर पर हवन पूजन किया गया। छात्र नेता श्री पांडे ने बताया कि कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक जी को कोरोना पॉजिटिव होने पर उन्हें PGI हॉस्पिटल लखनऊ में एडमिट कराया गया है। आज हम लोगों द्वारा उन्हें स्वस्थ होने के लिए महादेवा मंदिर में मित्रों के साथ विधिवत हवन पूजन किया जा रहा है। कहा कि मंत्री द्वारा पूरे लॉकडाउन में गरीबों, असहायों, निराश्रितों को भोजन, राशन, दवा की उचित व्यवस्था कराकर पुनीत कार्य किया है, इसलिए उनकी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। हवन पूजन करने वालों में छात्र नेता रुद्रमणि त्रिपाठी, अभिषेक द्विवेदी, मोनू सिंह, शेखर पांडे, रोहित यादव, आशुतोष कुमार, JP पांडे, अनिल यादव आदि शामिल थे। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।